अस्सलाम वालेकुम यूअर्स। ये देखें, ये मेरे पास सीम मुर्गी है और ये इसके चूजे हैं। ये दो काफ़ी बड़े हो गए हैं और बाकी अभी जो पांच हैं ये छोटे ही हैं, लेकिन ये भी आस्ता आस्ता ग्रोथ कर रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे। तो ये मैंने पालक डाली है इनको, उनके सब्ज़ा ये बहुत शौक से खाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताना था कि जो हमारे पास इनक्यूबेटर होता है, जब हम अंडों से चूजे निकालते हैं और उसके बाद जब इनक्यूबेटर के बाद जब हम चूज़ों को ब्रूडर में लेके आते हैं, वैसे तो मुर्गी साथ होता भी ठीक है, लेकिन मुर्गी के साथ भी बच्चों को ब्रूडर में रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि इनक्यूबेटर में भी हमारे जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, यानी ह्यूमिडिटी तकरीबन 60 to 70 होनी चाहिए और टेम्परेचर भी 37.5 डिग्री में और फारेनहाइट में 99.5 डिग्री पे हमें एडजस्ट करना होता है, ताकि हमारे जो अंडे हैं वो हैच हो सकें और अंडों से चूजे निकल सकें। तो उसके बाद लेकिन जब हम ले के आते हैं, हैचरी वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और अंडों को हम इनक्यूबेटर से ले के आते हैं ब्रूडर में, क्योंकि जो चूज़े होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको भी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, क्योंकि या तो वो सर्दी से मार जाते हैं या गर्मी से मार जाते हैं, या अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाए तो वो फिर उससे खुश्की पैदा हो जाती है उस जगह पर, वहाँ से भी मार जाते हैं। तो इसलिए भी चूज़ों को ब्रूडर में रखा जाता है, क्योंकि अगर तो खुली जगह हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन चूँकि हमारे घरों में अब इस तरह खुली ज़मीन दस्तयाब नहीं होती, तो इस वजह से मुर्गी के साथ भी जो चूज़े रखे जाते हैं घरों में, उनके लिए उनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ब्रूडर में भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रूडर में भी जो टेम्परेचर है वो यही 30 से लेके 32 डिग्री तक होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में, और ह्यूमिडिटी जो है वहाँ पर भी 60 to 70 जो है वो आइडियल है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चूहे थे, लेकिन मसला ये हुआ कि जो हमारा ब्रूडर था उसमें टेम्परेचर तो ठीक था, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती थी, लेकिन मसला ये हो गया कि क्योंकि वहाँ पे वो गर्मी की वजह से खुश्की पैदा होना शुरू हो गई थी, वो ब्रूडर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, 40 डिग्री तक आ गई थी, तो जिसकी वजह से चूज़ों की आंखों में पानी आना और इनकी आंखों का खुश्क हो जाना, आंखों के ऊपर जो जिल्द होती है वो फटना शुरू हो गई थी, इनकी आंखें ख़राब हो गई थी कुछ चूज़ों की, तो जिसकी वजह से जो बीमार चूज़े थे वो फिर ये मुर्गी के पाँव के नीचे आने शुरू हो गए, और जैसे तमाम चूज़ों के नीचे के पाँव के नीचे आ जाते थे और खुराक भी सही नहीं खाते थे, जिस वजह से वो कुछ दिनों बाद 4-5 चूज़े मेरे मर गए इस तरह। तो फिर इसकी जो मैंने रीज़न मुझे समझ आई है वो यही है कि उसमें ब्रूडर के अंदर जो ह्यूमिडिटी थी वो सही कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो अभी मैं आपको ब्रूडर के सेटअप की तरफ भी लेके जाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर मैंने कैसे ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया। तो व्यूअर्स, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये देखिए मैंने ये समझ लें कि मुर्गियों का खुल्ला बनाया किस्म का, या इसको मैं अब आजकल ब्रूडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इसका दरवाज़ा है, दरवाज़े के सामने यानी दरवाज़ा जो मैंने मेन बनाया, ये पीवीसी का पाइप है 1 इंच का ना, और ये एल्बो वगैरह इसके साथ लगा के इसके जोड़ वगैरह बनाए हैं, अब ये देखें एल्बो लगी हुई है। तो ये जो इतना भी खुल्ला है इसमें ज़्यादातर जो काम है ये पीवीसी पाइप की मदद से हुआ है, और इसके फ्रंट पे ये जाली लगी हुई है ताकि इनकी हवा वगैरह की क्रॉसिंग होती रहे।
और ये इधर बैक साइड के ऊपर एक बल्ब लगाया हुआ है, रात को मैं थोड़ी देर ऑन कर देता हूँ क्योंकि अभी गर्मियों के दिन है, तो दिन को तो टेम्परेचर ठीक होता है लेकिन रात को 30 डिग्री से भी नीचे आ जाते हैं, तो ताकि थोड़ा हीट अप करने के लिए इस ब्रूडर को। तो इसमें अगर आप ये देखें, ये मैंने डिजिटल था वो टेम्परेचर, इसको कहते हैं ये हाइग्रोमीटर। एक मिनट ठहरे, मुझे इसको उठाने दें। ये देखें आप, ये हाइग्रोमीटर है। इसमें ऊपर जो है ये यानी ब्रूडर के अंदर का टेम्परेचर बता रहा होता है, जो इस वक्त 29.7 डिग्री है। ये इन लिखा है, ये आउट लिखा है, और ये 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ब्रूडर के बाहर का टेम्परेचर बता रहा है। और ये टाइम अभी तकरीबन 7 बजने वाले हैं, लेकिन टाइम ये गलत है, अभी तो दिन के तकरीबन 12 बज रहे हैं। और ह्यूमिडिटी अभी यहाँ पर जो ये बता रहा है, ये 52 डिग्री है अभी बाहर की, क्योंकि तो पहले अंदर पड़ा हुआ था तो ये 70 के करीब थी। चलो मैं इसको दोबारा अंदर रखता हूँ, देखते हैं ह्यूमिडिटी पे क्या फ़र्क है। यहाँ पे धूप पड़ रही है डायरेक्ट, अभी देखें 49 पे आ गई है, तो इसको मैं अंदर रखता हूँ। ये मैं आपको बता रहा था कि अब देखें ह्यूमिडिटी इस वक्त 48 नज़र आ रही है आपको, तो ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से, ह्यूमिडिटी यानी 40 से भी कम हो गई थी। अब देखें अंदर रखा तो 49 हो गए, दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। इसको थोड़ी देर बाद फिर चेक करते हैं, तो चूल्हों में चूंकि टेम्परेचर तो यहाँ ठीक रहता था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें दीवारें हैं आगे पीछे और डायरेक्ट सनलाइट कोई नहीं पड़ती, तो जिस वजह से टेम्परेचर तो इसका अभी भी अगर आप देखें टेम्परेचर अभी भी 30 पे है। टेम्परेचर बहुत आइडियल था इस जगह का, लेकिन यहाँ पे चूँकि खुश्की हो जाती थी और ह्यूमिडिटी जो है, जो भी आपको 50 नज़र आ रही है, ये 50 से भी कम हो के 40 से भी कम चली जाती थी, जिस वजह से चूज़े बीमार होना शुरू हो गए थे, उनमें सांस का मसला होना शुरू हो गया था ज़्यादा, जिस वजह से वो खाना पीना छोड़ दिया था और फिर कुछ दिनों बाद वो मर गए थे। अब यहाँ पे देखें ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए, एक तो ये है कि ये पानी है इनका, इनके अंदर मैंने थोड़ा सा रूह डाला था क्योंकि गर्मियों के दिन है, उसके अंदर कुछ मेडिसिन भी डाली थी ताकत की। तो एक तो ये है कि पानी को अंदर रखने से, ये पानी पी भी लेते हैं, उससे ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल रहती है। और उसके अलावा अब देखें छत के ऊपर इसको धूप पड़ती है ना डायरेक्ट, अब ये धूप अभी इस वक्त पड़ रही है ये ब्रूटर के छत के ऊपर, तो इसलिए मैंने ये मिट्टी का बर्तन दिया है और इसको पानी से भर दिया था। अब देखें अभी ये तकरीबन इसमें पानी आधा हो गया, ये मैंने भरा हुआ था, तो पानी भरने की वजह यह है कि यहाँ से यानी जो पानी है वो हरात बन के उड़ता रहता है, और नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, गर्मी नीचे नहीं जाती, जिसकी वजह से अंदर ब्रूडर की जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर तो ठीक ही रहता है लेकिन ह्यूमिडिटी इसकी बहुत कम हो जाती थी। तो अभी आप देखें, अभी मैंने अंदर रखा है, अभी ह्यूमिडिटी इंक्रीज करके 54 डिग्री पर चली गई है। तो नॉर्मली अब जो चूज़े होते हैं 1 महीने के, उनके लिए 60 डिग्री से ऊपर ऊपर 60-50 से ऊपर ऊपर 50-60-70 डिग्री तक जो ह्यूमिडिटी है वो बेहतरीन होती है। तो इस तरह मैंने यानी, क्योंकि पहले यहाँ पे मैंने ऊपर ये पानी का बर्तन नहीं रखा हुआ था, जिसकी वजह से ब्रूडर के अंदर की जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम हो जाती थी, लेकिन फिर इसको मैंने मेंटेन करने के लिए ये एक तरीका अपनाया है, और इसकी वजह से अब चूज़े माशाल्लाह आपने देखे हैं काफ़ी सेहतमंद हैं, और अब ब्रूडर का जो इंटरनल टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है वो भी रिक्वायर्ड लेवल के मुताबिक है, और अब चूज़े बीमार भी नहीं हो रहे। अभी देखें, जब मैंने हाइग्रोमीटर को बाहर रखा था तो ह्यूमिडिटी 50 से भी कम होना शुरू हो गई थी, तो अभी देखें अंदर रखा है तो अभी इंक्रीज होके 55 डिग्री तक चली गई है। तो अंदर चूंकि ह्यूमिडिटी ठीक है, तो इसलिए चूज़े अंदर खुश रहते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़
प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।